वेलकम टू मशीन टूल डिजाइन कम्युनिटी अगेन। जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रेस टूल डिजाइन, तो हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाई प्लेट किया, अब हम लोग डाई बैक प्लेट की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स डाई बैक प्लेट जो है ये डाई के नीचे सपोर्ट करती है, ये एक सपोर्ट सिस्टम देती है डाई को। सो डाई बैक प्लेट जो है ये बस डाई के नीचे एक थ्रस्ट कैप्चर करती है, ताकि जो डाई के ऊपर डायरेक्टली पंच का जो कटिंग का फोर्स आता है वो डायरेक्टली बॉटम में ना जाए, या डाई पे पूरा फोर्स आ जाए तो डाई ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए डाई बैक प्लेट होती है जो कुशनिंग इफेक्ट देती है। तो हम लोग ये डाई बैक प्लेट के ऊपर जाएंगे, तो डाई बैक प्लेट जो है लगभग उसका साइज जो होता है लेंथ और विड्थ हम लोग डाई प्लेट के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ये लेंथ और विड्थ हमारी डाई के लेंथ की होगी, और उसका मटेरियल मोस्टली MS और EN31 होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा फोर्स हो तो EN31 की प्लेट यूज कर लेते हैं, जिसको हम लोग MS है, जो माइल्ड स्टील होता है वो हार्डन नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए वो हम लोग को स्ट्रेंथ नहीं देता, वो इजीली वेयर हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर है तो हम लोग EN31 लेते हैं, और उसका हम लोग 48-52 HRC हार्डनिंग कर सकते हैं अगर आप EN31 यूज कर रहे हैं। तो आपको याद है मैंने जो डाई प्लेट बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था उससे हम लोगों को डाई प्लेट की थिकनेस मिल गई। तो अभी ये सारे वीडियो में TD करके ये कंसेप्ट चालू होगा, दैट इज डाई प्लेट की थिकनेस। तो इसकी थिकनेस जो है 0.5 × TD, तो 0.5 ऑफ डाई प्लेट की थिकनेस। सो 0.5 मतलब डाई प्लेट की थिकनेस से आधी साइज, तो 0.5 × 22 mm बोलते 11 mm। अगर 11 mm की प्लेट तो हमें मिलेगी नहीं, तो हम लोग इधर 12 या 15 mm की प्लेट यूज कर सकते हैं डाई प्लेट डाई बैक प्लेट बनाने को। ठीक है, तो हम लोग अभी अगले वीडियो को जाएंगे जहां पे हम लोग बॉटम प्लेट इंट्रोड्यूस एंड डिजाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।